नमस्कार, मैं हूँ सोमाश्री विश्वास और आज हम बनाएंगे एप्पल का सूप। एक बोल सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पानी। अब इस पानी में मैं मिला दूंगी 1/2 कप कटा हुआ सेब और मैं मिला दूंगी 1/4 कप कटा हुआ प्याज। अब कद्दूकस किया हुआ अदरक मैं मिला दूंगी 1 टेबलस्पून। नमक मैं मिला दूंगी स्वाद अनुसार। सूप के स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं इस पे काली मिर्च मिलाऊंगी। मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून लिया है, पर इसका मैं 1/2 ही मिलाऊंगी और 1/2 मैं गार्निशिंग के टाइम पे यूज़ करूंगी। अभी मैं सारी सामग्रियों को मिलाकर उबालने के लिए रख दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। अभी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मैं अब सूप में मिला दूंगी 1/4 कप सेब का पल्प। अभी सेब के पल्प को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए और उबालने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप सूप की थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ मिला के इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से उबालने के बाद सेब का जो रस है वो हमारे सूप में अच्छी तरह से आ चुका है और हमारा सूप पक भी गया है। अभी मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। और 1 चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा दबाते हुए इसका रस निकाल लूँगी। अब इस सूप को हम एक सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस सूप के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिला देंगे और एक्स्ट्रा टेस्ट इसमें और लाने के लिए 1 टेबलस्पून सेब का जूस भी मिला देंगे। और हमने जो काली मिर्च बचाई थी इसको भी स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे गार्निशिंग करेंगे कुछ कटे हुए मिर्च के स्लाइसेस के साथ। और अब हमारा एप्पल सूप बिल्कुल बनके तैयार है। गर्मा गर्म इसे सर्व करिए, इसे ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही यूनिक और बेहतरीन सूप है। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।